हेलो दोस्तों, मेरी एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हमारे दिमाग को डैमेज करती हैं या हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को कम करती हैं? तो दोस्तों, क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, चलिए मैं आज आपको 6 गलत आदतों के बारे में बताता हूँ या 6 हमारी बैड हैबिट्स के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं या हमारे ब्रेन को कमज़ोर करती हैं। नंबर एक है झुक कर चलना। हमारे चलने का स्टाइल भी हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग झुक कर चलते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये लोग पॉजिटिव बातों की जगह निगेटिव एक्सपीरियंस को ज़्यादा याद रखते हैं। इसकी वजह से इनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है और ये अल्जाइमर होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोगों में कितना गुस्सा बढ़ गया है, हम लोग चिड़चिड़े हो गए, इसकी वजह झुक कर चलना भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर दूसरे पे है हर चीज़ की फ़ोटो लेना। एक आदत जो आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, अपने ज़िंदगी के हर लम्हे का फ़ोटो लेने की आदत हमारे दिमाग के खास इवेंट को याद रखने की एबिलिटी को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक हर व्यक्ति हर चीज़ की फ़ोटो लेने की आदत हमारी मेमोरी को कमज़ोर कर रही है। होता यह है कि जब हम किसी चीज़ की फ़ोटो लेते हैं तो हमारा फोकस उस चीज़ पर या सिर्फ उतने ही फ्रेम पर होता है जो बाद में हमें बस वही फ्रेम या वही चीज़ याद रह जाती है और वो एक्सपीरियंस हमें याद नहीं रहते हैं। और आसपास क्या हो रहा है या क्या हो रहा था, हर अच्छे लम्हे की फ़ोटो लेने की वजह से हम उस लम्हे को पूरी तरीके से जी नहीं पाते हैं। नंबर तीन पे दोस्तों, एक्सरसाइज ना करना। अगर हम हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं तो डिप्रेशन का खतरा लगभग 90% कम हो जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी और डिप्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है और एक न्यूरो रिसर्च बताती कि डिप्रेशन हमारे दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, नंबर चार पे है नींद से दूरी। नींद मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में है। मेंटल और इमोशनल पावर और हमारी बॉडी एक अच्छी नींद के बाद ही फिर से रिफ्रेश हो जाती है, जबकि नींद की कमी से डिमेंशिया यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस समेत कई बीमारियों की शुरुआत हो जाती है जो जवानी में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देती परंतु यह बुढ़ापे में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, नंबर पाँचवें पे है मल्टीटास्किंग। हाँ दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो एक टाइम में कई काम कर ले ताकि उसका टाइम बच सके। लोगों को लगता है कि वो एक टाइम में कई काम करके ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर बन सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, बल्कि मल्टीटास्किंग आपको या आपके दिमाग को बहुत ही तनाव से भर देती है। एक टाइम में कई जगह फोकस करना की नाकाम कोशिश की वजह से हमारे रिलेशनशिप में ही असर पड़ता है और एक टाइम में इसलिए हमें एक ही काम करना चाहिए। दोस्तों, नंबर छठवें पे है ज़्यादा टीवी देखने से हमारे दिमाग पर निगेटिव असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यह बात प्रूव की है कि किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी एबिलिटी बेटर होती है, यानी कि हमारे सोचने समझने और नॉलेज एक्वायर करने की जो स्किल है इम्प्रूव होती है। रीडिंग ब्रेन के ऐसे हिस्से को भी एक्टिव करते हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताबें पढ़ने से ब्लड ब्रेन को उन एरियाज में जाता है जो कि हमारे कंसंट्रेशन के लिए या हमारे अच्छे रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इससे हमारे दिमाग में कंसंट्रेशन बेहतर होता है और हमारे समझने की शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी?